भी सुनिश्चित करें। अनावश्यक रूप से मुख्य द्वार के बाहर इसका लगाए और पंक्ति पर बेहतर विद्यालय नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो उत्तम की वाणी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। अभी हम लोग आए हुए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल पर, एग्ज़ाम है अनुभव का और लगा हुआ है लड़का पढ़ाई करने में। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वन शॉट वीडियो, वन शॉट वीडियो, हाउ टू गेट 95% प्लस मार्क्स इन जस्ट वन डे। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने, आप नर्वस हैं या फिर आज फाड़ के रख देंगे, अंदर आग लगा देंगे? फाड़ना तो है। अच्छा, पढ़ाई करके जाना भाई का। मतलब ये पढ़ाई करके नहीं आया है। तो सारे बच्चे अभी सबका फेस देखने लायक है, मेरा ही फेस थोड़ा फूला फूला लग रहा है। अभी मैं बस उठा हूँ और भाई को लेकर आया हूँ, इसका लेट हो रहा था एक्चुअली। तो सारे बच्चे अभी काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। मेरा 12th का एग्ज़ाम तो 2 साल पहले था, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे अपने 2 साल पहले के टाइम याद आ रहे हैं। आज है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम और 10th वालों के साथ संस्कृत है। सो आगे के अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। अभी हो रहा है 9:26 और 10 बजे से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, फिर अनुभव चला जाएगा अंदर और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ के आसपास के काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने के। पास में ही आर्मी का कैंट है, तो देखते हैं वहाँ पे वीडियो शूट करने देते हैं या नहीं वो लोग। अगर वो लोग शूट करने देते हैं तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, अनुभव जा चुका है अंदर और काफ़ी सीरियस थे यार सब, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस थे सारे स्टूडेंट्स। आज से 2 साल पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो कोई इतना सीरियस नहीं था, हम लोग बिहार बोर्ड से थे, बिहार बोर्ड में सब चिल एकदम रिलैक्स रहते हैं, यहाँ पे सब काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और काफ़ी सबका चेहरा उतरा हुआ था, टेंशन से भरा हुआ था। खैर एग्ज़ाम है, होता है सबके साथ। तो आसपास यार काफ़ी सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे जगह हैं, यहाँ पर आर्मी का कैंट है, पूरा आर्मी वाला माहौल है यहाँ पे, लगता है किसी बॉर्डर पे आ गए। पर मैं बचपन से पटना में रह रहा हूँ, मैं इस जगह पे नहीं आया था, बहुत ही अच्छा लगा ये जगह को देख के। और पता नहीं वहाँ पे वीडियो बनाने देंगे या नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। वो रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल, अभी सबको क्वेश्चन पेपर्स मिल चुके होंगे और कुछ बच्चे खुश हुए होंगे इजी इजी क्वेश्चन देख कर, अगर उन्होंने पढ़ाई की होगी तो, और कुछ बच्चे भयंकर डिप्रेशन में आ गए होंगे क्वेश्चन देख कर, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो।
काफी सही जगह है यार, चारों तरफ बस पेड़ पौधे और हरियाली, मजा आ गया यहाँ पे आके। लगता ही नहीं जैसे हम पटना में हैं, जिधर हम लोग रहते हैं बहुत पॉल्यूशन है वहाँ पे, बहुत ही काफी रेसिडेंशियल एरिया है, चारों तरफ बस घर है, बिल्डिंग्स है, लेकिन यहाँ पे आके लग रहा है जैसे किसी दूसरे ही स्टेट में किसी दूसरी जगह आ गए हैं। लेकिन ये भी अपना पटना है, अपना बिहार है, सो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। चारों तरफ बस पेड़ पौधे हैं और चारों तरफ बस आर्मी वाले घूम रहे हैं। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे रोके नहीं यहाँ वीडियो बनाने से, सो देखते हैं आगे क्या होता है। कितना अजीब है ना, एक दो लोगों को कोरोना वायरस हुआ इंडिया में, कुछ लोगों को कोरोना वायरस हुआ और तो सब लोग मास्क खरीदने लग गए, लेकिन रोज़ हर रोज़ हजारों लोग जो है रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, लेकिन कोई भी हेलमेट नहीं खरीदता, हेलमेट नहीं पहनता। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझो, हमेशा जब भी बाइक राइड करो या स्कूटी राइड करो या कुछ भी, हेलमेट ज़रूर पहनो, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सही, अपने पेरेंट्स के लिए सही, बट हेलमेट ज़रूर पहनो। और एंड यस, कोरोना वायरस से भी बच के रखो, बच के रहो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जितना ज़्यादा आप सावधानी बरत सकते हो बरतो। और बिल्कुल बस एक दो महीने की बात है, फिर जब जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी, धूप बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी में कोरोना वायरस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने बोला है। तो बस एक दो महीने बहुत ही सतर्की से बहुत ही अच्छे से रहने की ज़रूरत है, सो रहो। तो अभी यहाँ काफ़ी मस्त मस्त जगह मैं घूम कर आया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वीडियोज़ नहीं बना सका, क्योंकि वहाँ पे व्लॉग शूट करना बिल्कुल मना था, क्योंकि वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी का एरिया था, उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया। बट मैंने आँखों से देखा, बहुत कुछ देखा, बहुत ही मज़ा आया, लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, पहली बार मैंने ये सब देखा था, सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। काश मैं वहाँ पे व्लॉग शूट कर पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब अलाउड नहीं था वहाँ पे। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। ये फ्री का पीरियोडिक टेबल, कोचिंग वाले अपना प्रचार कर रहे थे, मुझे देखकर गए, आज तक याद नहीं हुआ यार ये। खौफ था, कुछ नहीं समझ में आता था, क्या है ये सब, क्या है ये। साढ़े बारह हो चुका है और बस आधे घंटे में अब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। मैं भी बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, गाने सुन कर मैं पक चुका हूँ, तो फाइनली अब थोड़ा देर और फिर निकलेंगे अब घर यहाँ से। आज बहुत मज़ा आया, ये दिन याद रहेगा।